मैंने एक पेंटिंग बनाई। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं तो चीज़ अच्छी नहीं बनती, कुछ चीज़ें होती हैं वो बगैर कोशिश के बहुत अच्छी बन जाती हैं। मेरा नाम है काजिम हुसैन शाह। बुनियादी तौर पे जो मेरा प्रोफेशन रहा है वो आर्मी थी, आर्मी में यानी फ़ौज में रसाले में था। ये जो टैंक्स होते हैं, आर्मर्ड कोर जिसको कहते हैं, उसका था। उसमें मैं एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ और 95 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद बस फिलहाल चल रहा हूँ। मैं आपको वो घिसा पिटा जवाब दे दूँ। वो कहते हैं कि मुझे बचपन से ही शौक था, बिल्कुल मुझे याद है कि ये मुझे कैसी शौक हुआ। हुआ ये कि मेरा एक कज़न, पुफी का चचा का बेटा, वो मेरा उम्र में मुझसे 2 साल बड़े थे, लेकिन क्लास में वो मुझसे 1 साल आगे थे और इसी तरह से बड़े। तो मुझे याद है उस ज़माने में, गुजरात की बात है और ये बात हो रही है 61-62 की, तो 1 क्लास आगे थे। तो उस ज़माने में क्लास के अंदर आपको अलजबरा भी पढ़ाते थे, ज्योमेट्री भी पढ़ाते थे। अब मुझे नहीं पता कि आप ज्योमेट्री है या नहीं है। उसके साथ वो जो ज्योमेट्री थी उसके अंदर आपको कुछ वो चीज़ें बताया करते थे, मिसाल के तौर पर फर्नीचर का बनाना, उसके जोड़, जैसे आपने टेबल है इसकी लेग्स के जोड़ कैसे होंगे, तो ये उसमें वो बताते थे। तो एक दिन वो बैठा हुआ, मुझे बिल्कुल याद है कि वो कागज़ के ऊपर डिज़ाइन कर रहा था, तो मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा था वो दिन, और मुझे शौक हो गया। तो सबसे पहले जो मैंने जो एक चीज़ जो बनाई वो ये थी कि मैंने एक हाथी बनाया। हाथी के ऊपर मैंने एक कपड़ा जो होता है जैसे घोड़े के ऊपर भी बैठने के लिए होती है, और उसके अंदर मैं मुख्तलिफ कलर लेके तो उनके उसके अंदर कलरिंग करता था। और ये बात पता है मैं कब की कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 59 की। दूसरी जो मैंने चीज़ बनाई मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद है, वो थी मैंने एक किताब बनाई, बुक, वो पेंसिल से बनाई, उसको शेड दिया। वो मेरी दूसरी एक जो है आप कहने के फन पारा था, शाकार था, वाट एवर यू कैन। तो ये एक बस इस तरह से मेरा वो जो चीज़ हुई। और फिर वो मैट्रिक तक मुझे याद है कि फिर मैं इस शौक़ को मैंने जारी रखा। मैट्रिक के बाद कॉलेज में चला गया, कॉलेज में कोई मौका नहीं मिला, पढ़ाई शढ़ाई में जवान हो गए थे और शुगल शुरू हो गए, आर्मी में चले गए। तो आर्मी में जा के मुझे अब भी याद है कि मैंने पहली जो पेंटिंग बनाई थी वो ब्राउन कलर की थी, उसके ऊपर सफ़ेद मैंने बीच में एक गुलदस्ता टाइप बनाया था, और ये बात कर रहा हूँ 70 की। फिर बीच में गैप आते गए, कई साल तक हाथ नहीं लगाया, फिर बीच में कभी शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये मामला जो है वो अभी तक चल रहा है। पेंट क्यों करता हूँ? हर आदमी जो है ना वो अपने एहसासात का जो वो देखता है, कहीं से कोई चीज़ महसूस करता है, किसी बात को, किसी वाक्य को, तो अगर वो चीज़ उसके ऊपर असर करती है तो फिर वो, अगर उसके अंदर वो आर्ट वाली चीज़ है, अगर वो कर सकता है, तो फिर वो चाहता यह है कि वो उसको क्या करे, अपने उस फन से, अपने फ़न कह ले, मैं फनकार तो नहीं हूँ लेकिन जो भी उसका फ़न है, मिसाल के तौर पर गीत है, ठीक है, खुशी का इजहार करता है, गम का इजहार करता है, उदासी का करता है, इसी तरह इसमें भी ये चक्कर है, ठीक है। और दूसरा ये है कि रंग, तो कायनात में अगर रंग ना होते तो कायनात की खूबसूरती ना होती, ठीक है। और तो अगर वो रंग जो हैं उनसे खेलना जो है वो भी बड़ी खूबसूरती है, और उसमें वही चीज़ है जैसे आप किसी
बाग में चले जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, मुख्तलिफ रंगत के होते हैं, तो ये भी आपका वही एक सिलसिला होता है लेकिन आपके इजहार का होता है। मैंने सिवाय एक दफ़ा पूरी ज़िंदगी में एक नुमाइश देखी है मैंने, और वो भी बहुत बड़ी नहीं थी, यहाँ पर PCC में पिंडी में थी, बहुत साल हो गए, वरना मैंने कोई नुमाइश कभी नहीं देखी। मैंने पेंटिंग की किसी से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा ब्रश किस किस्म के लिए, कौन सा पेंट किस किस्म के लिए, ये सब मेरा अपना एक शौक़ है, ठीक है, और उसके लिए मैं करता हूँ। और बुनियादी तौर पे जो मैंने सीखा हिट एंड ट्रायल से, उसमें वाटर कलर भी मैंने शुरू में किया है, उसके बाद बुनियादी तौर पे मैंने आयल पेंट किया, और चंद साल पहले मुझे किसी ने बताया कि आयल पेंट की बजाय एक्रेलिक पेंट आ गया है, और अब मैं उसमें ये जो अभी लगी हुई है ये ज़्यादातर एक्रेलिक पेंट की है, ठीक है जी। कि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, जब मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, और आपको पता है कि अभी कल ही तो TV आया है, और अभी 2-4 दिन हुए हैं आपके ये WhatsApp आ गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं चीज़ों को, पढ़ सकते हैं। उससे पहले जो है मैंने ये भी अभी आपको पहले बताया कि मैंने आज तक एक नुमाइश नहीं देखी सवाए एक जो चंद साल पहले मैंने PCC देखी। तो मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुआ, जो कुछ है ये मेरा अपना ही वो तरीका इजहार है। फेवरेट पेंटर मैं खुद, हाँ अगर आप मुझे मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि मैं चुगताई की तरफ जाऊँगा, या मैं वो हमारे एक बड़े फेमस पेंटर थे, पूरा नाम भी मुझे याद नहीं, शकलैन, उनकी तरफ। मेरा ख्याल मैं वो जो मेरे चीज़ सामने आ जाती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें तजर्बा करूँ। मिसाल के तौर पर मैं जब वो मैंने शुरू में बनाया था, सबसे पहले मैंने 2 पेंसिल स्केच बनाए, वो अभी तक मेरे हाई स्कूल मीरपुर खास डिग्री में लगे हुए हैं, ठीक है, तहसील है डिग्री, वहाँ का एक DC हाई स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्कूल, वो उसमें अभी भी लगी हुई हैं। मज़ेदार आपको ये बात बताऊं कि वहाँ पर उस ज़माने में पेपर भी नहीं मिलते थे, तो मैं ये जो बुकरम होता है ना ख़वातीन के ये कपड़ों में लगाते हैं, या आजकल वो कोट के अंदर भी लगाते हैं, वो तो आम दर्जियों से मिल जाता था, तो मैं उसी को कैनवस समझ के उसके ऊपर करता था, या पेपर वो मैं करता था। और शुरू में मैंने इसकी जो इब्तदा की पेंसिल्स के थी, उसके बाद मैं वाटर कलर के ऊपर आया, वाटर कलर से फिर मैं जो है आयल पेंट पे आया, आयल पेंट से फिर मैं बीच में मैंने वो की है, चॉक भी किया है, पोस्टर कलर भी किए हैं, वो जैसे अभी मैं वो आपको वो पेंटिंग दिखा रहा हूँ पिस्टल आयल, उससे भी मैंने किया है, और अब मैं बुनियादी तौर पर एक्रेलिक, ये भी एक पेंट आयल पेंट की किस्म है। मेरे अपने लेवल की बात है, क्योंकि मैं कोई अपने आप को, पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को एक पेंटर या आर्टिस्ट नहीं समझता, ये मेरा अपना एक शौक है मेरे अपने लेवल पर। लेकिन ऐसे 2-3 हुए हैं वाक़यात, जिसका एक तो ये है कि हमारी जुनून में एक साहब की शादी हुई, हमसे सीनियर थे, तो उनकी जो मिसेज आई, पता लगा कि जी वो फाइन आर्ट की बहुत बड़ी टीचर रही हैं, तो मैंने उनको अपनी 2-3 चीज़ें दिखाई, और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा काजम भाई अगर आप 25 तस्वीरें बना दो मुझे, ये मैं बात कर रहा हूँ 75 खारिया में था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 25 पेंटिंग बना दो तो मैं तुम्हारी नमाइश। तो मेरे लिए वो इस उम्र में एक बहुत बड़ी एक यू नो क्रेडिट था मेरे लिए। 1 नंबर 2, काश वो तस्वीर मेरे पास होती, है नहीं मेरे पास, मैंने एक पेंटिंग बनाई। अच्छा कुछ ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं तो चीज़ अच्छी नहीं बनती, कुछ चीज़ें होती हैं वो बग़ैर कोशिश के
बहुत अच्छी बन जाती। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बना के मैंने कैमरे से फोटो खींची और अपने बड़े ब्रदर लॉ को, जो मेरी पुफी के बेटे थे, उनको मैंने भिजवाई। तो मैंने कहा कि भाईजान, इस तस्वीर में आप भी हैं और मैं भी हूँ। हम थे नहीं उसके अंदर, ना वो थे ना मैं थे। नीले रंग की, पीछे झील और मॉर्निंग का वक्त था, सुबह सूर्य चढ़ता था। तो कोई एक दो दिन के बाद मुझे रिंग करके कहते हैं, यार मैंने बड़ा ढूंढा है, इसके अंदर तो कहीं नहीं है। यानी कहने का मकसद यह है कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे हाथ की बनी हुई है, यानी इतनी खूबसूरत बनी थी और बस बन गई, मैंने बनाई नहीं, वो बन गई। तीसरी जो है वो ये है कि मैंने एक आर्मी मैश में पहली कमांडर की फरमाइश के ऊपर एक पेंटिंग बनाई टैंक, वो आज तक मेरी यूनिट में लगी हुई है और उसकी अपनी एक सेंट्रल जगह है। और जो भी आता है वो पूछता है कि यार किसकी बनी हुई है, ठीक है। अब वो मैंने, क्योंकि कमांडर ने कहा था, तो मैंने बड़े दिल लगा के उसको बनाया था। और मुझे याद है कि मैंने उस पर 7 या 8 दिन लिए थे, 7 या 8 दिन लिए थे। और ये बात कर रहा हूँ मैं जनाब समवेयर 88-89। Why art is important in society? आर्ट है क्या बुनियादी तौर पर? आर्ट जो है ये आपके जो महसूस करते हैं उसका एक इजहार है। और नंबर दो, इसमें ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। अब आर्ट मुख्तलिफ किस्म के, मैं आपको किट बताता हूँ ताकि आपको जवाब मिल जाए आपकी बात का कि सोसाइटी के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो यह है कि एक शख्स जो किसी भी आर्ट की तरफ जाता है, चाहे वो मौसीकी है, चाहे वो पेंटिंग है, ठीक है, या बिल्डिंग डिजाइनिंग है बाय द वे, तो अब ये काम क्योंकि क्रिएटिव है, अच्छा है, तो उसका जहन जो है वो क्या है, एक अच्छे काम की तरफ लगता है, इसके बजाय कि वो नेगेटिव साइड के ऊपर जाए। उसकी शख्सियत के अंदर एक पॉजिटिव यानी मस्बत एक पहलू ज़्यादा नमाया होता है। एक तो बात ये होगी। नंबर दो, अब ये देखे पूरी दुनिया में कैसी कैसी बिल्डिंग्स बन रही हैं। एक दुनिया में वो खूबसूरती नहीं पैदा करती, लेकिन लोग भी जाते हैं और उस खूबसूरती को जाके देखते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसका मकसद यह है कि ये आपको एक अच्छाई की तरफ लेके जाती है, आपके जो एहसास हैं उनमें वो नरमी पैदा करती है, ठीक है। यानी आप देखेंगे कोई भी जो आर्टिस्ट होगा वो बड़ा अमूमन नरम होगा, उसकी ज़ुबान गुफ्तगू अच्छी होगी, उसकी सोच अच्छी होगी, मैं समझता हूँ कि उसका दिल भी बड़ा नरम होता है। आप अमूमन देखेंगे टीवी भी, आप देखें, छोटी बात ही कोई आर्टिस्ट होता है, एक्टर ये भी आर्टिस्ट है ना, आर्ट है, ऐसी चीज़ की बात करें जिसमें कि एक मजलूमियत किसी इंसान की, तो उनके आंसू फटाफट निकल आते हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि आर्ट की तरफ जब जाते हैं तो आपकी शख्सियत में मस्बत पहलू पैदा होता है, उसमें खूबसूरती पैदा होती है, ठीक है, मस्बत सोच आती है। टाइम, मैंने ज़्यादातर जो काम किया है वो रात को किया, पता क्या बात, दिन को आपकी, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ या जितने भी हैं लाइट मूड में बात कर रहा हूँ, वो ख्वातीन आपको कहेंगी कि वो फलानी चीज़ है, वो ले आए जाके, कोई ना कोई उनको काम याद आ जाएगा जब आप काम करेंगे तो, ठीक है। तो मैंने ज़्यादातर जो काम किया है वो अमूमन मैंने उस वक्त किया है जब सब घर वाले सो जाते, एक तो सुकून होता है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता, अच्छा फिर आपका ये होता है कि तवज्जो होती किसी चीज़ तरफ, हिसाब आप एक टच दे रहे हैं या पेंट मिक्स कर रहे हैं। अब ऐसी हालत में अगर कोई बात तो और शुरू हो जाए तो आपका पेंट वहीं का वहीं धरा रह जाए। मैं उनको यूं कहूँगा कि हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी ना, टीवी नहीं था, ठीक है, तो जो कुछ भी था आपने खुद सीखना था, या 8वीं क्लास वगैरह में ना, साल 1-2
वो थोड़ा बहुत आपको वो सिखाते थे। आठ क्या होता था, पत्ता बना दो, फूल बना दो, ठीक है। लेकिन आई कैन अश्योर यू, वो जो हमारे टीचर थे हाई स्कूल वगैरह में, वो गरीबी स्लम वाले के भी थे, वो कोई वो आर्ट टीचर नहीं थे, बस वो सिखा देते थे। तो अब तो हर चीज़ जो है आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, इवन अगर आप देखें गूगल के ऊपर जाके देखें तो जितने भी दुनिया के टॉप क्लास आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स हैं, उनकी हिस्ट्री है, उनकी टेक्निक्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर अब अगर कोई बच्चा इसकी तरफ जाना चाहता है तो वो उसका तरीकाकार जो है, पहले तो उसके अंदर एक रुझान होगा तब हो जाएगा, ये बड़ी बात। आप किसी को गाना नहीं सिखा सकते जब तक के उसके अंदर वो गाने के जरासीम नहीं है, और नंबर दो उसकी दिलचस्पी उसकी तरफ नहीं है। तो मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पहले वो इसको देखें, इनको पढ़ें, जब वो पढ़ लेंगे तो वो खुद बखुद उनको एक रास्ता मिल जाएगा कि मैंने इधर जाना है या इधर जाना है। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है। वजह कि मेरा जो शौक़ जो भी मुझे है या एक हसरत है मुझे, वो ये है कि मैं कैलीग्राफी की तरफ जाऊं। और मैंने जो पहली पेंटिंग बनाई है कैलीग्राफी की, और वो मैंने बिल्कुल कहीं से कोई आइडिया नहीं लिया। जहाँ मैं आइडिया लेता हूँ मैं बड़े आराम से बताता हूँ, यार ये बीच में मैंने आइडिया इम्प्रेशन फैलाने के लिए है, इसके अंदर ये मैंने मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला मैंने एक और कैनवस के ऊपर ड्रॉ करके रखा हुआ है, और मेरे जहन में कुछ कुरानी आयात हैं और उनको मैंने एक खाका दे के फिर उनको पेंट भी करना है, और इंशाल्लाह मैं उनको करूँगा।